तो क्या हाल है मेरे मित्र, आई होप कि सभी मजे में होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप किसी भी फोटोज को स्कैन करके उसका सारा डिटेल निकाल सकते हैं कि बंदा का नाम क्या है, बंदा कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर क्या, सब कुछ। क्या सच में YouTube वालों ने बताया यार, YouTube में बहुत लोगों ने बताया मुझे कि भाई ऐसे करो सर्च तो ऐसे निकल जाएगा रिजल्ट, ऐसे करो तो वैसे निकल जाएगा। उसी बात का आज मैं पूरा खुलासा करने वाला हूँ कि सच में हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते तो मैं आप लोग के सामने करके दिखाऊंगा, कुछ फोटोज मैं सर्च करके दिखाऊंगा, सीरियसली, ठीक है। उसको मैं दिखाऊंगा करके कि ये यूज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ सारे वेबसाइट का। हाँ, मैं इस वीडियो में एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था, लास्ट में वो वेब एप्लीकेशन रहेगा जिससे आप फोटो को सर्च करके पता कर सकते हो उस बंदे का नाम क्या है, दैट्स इट। अगर वो बंदा फेसबुक या फिर कहीं पे है तो वो मैच करता है वो एल्गोरिथम वगैरह, मैं वो बाद में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हरितेश और आप देख रहे हैं टेक प्रो, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूट्यूब की खोज की, यूट्यूब में कितने लोगों ने कितना ज्ञान पेला है इस टॉपिक के ऊपर। तो चलते हैं हम लोग यूट्यूब के गलियों में, तो सर्च करते हैं फोटो डिटेल्स। हाँ, क्योंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ है तो मुझे पता है कि यहाँ क्या क्या आने वाला है। मैं 8 साल पुराने वाले नहीं देखूंगा, मैं अभी रिसेंट वाला देखूंगा। तो ये 8 दिन पहले यहाँ पे अपलोड किया है इन्होंने वीडियो। तो चलिए, ये जो वेबसाइट इन्होंने दिया है इस वेबसाइट पे सीधे आता है, मुझे पता है ये वेबसाइट कौन सा है, इसलिए मैं सीधा वेबसाइट पर लेके आप लोग को जाता हूँ। आई डोंट थिंक ये वेबसाइट अब काम करता है, जो मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये रहा वेबसाइट का नाम। चलिए हम लोग चलते हैं, ये रहा वेबसाइट, नॉट वर्किंग। अरे आज से नहीं, बहुत दिनों से वर्क नहीं कर रहा। मैं जितने भी दिन इसको ट्राई किया हूँ आज तक वर्क नहीं किया है, ठीक है। 8-10 दिनों से पहले ये वर्क करता था, अभी इसको गूगल ने हटा दिया है। देखो, ये सबसे पहली बात तो ये कि इलीगल चीज़ है कि ये कभी करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कि आप किसी भी बंदे का लोकेशन ट्रैक करो बाय द हेल्प ऑफ देयर फोटोज, तो दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए अब दूसरे वीडियो में चलते हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही, चलिए इसका वीडियो देखते हैं, इनका वीडियो देखते हैं, इसका नहीं, इनका वीडियो देखते हैं। अजय टेक सपोर्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, नाम नहीं, वीडियो देखते हैं इन्होंने क्या बताया। तो इस बंदे ने हमें बताया गूगल लेंस यूज करना, थैंक यू भैया। गूगल लेंस तो हमें पता ही नहीं था गूगल लेंस के बारे में, और ये क्या दिखा रहे हैं हमें हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पे इन्होंने थंबनेल लगाया, मतलब किसी भी लड़की का फोटो निकाल ली, नाइस, चुटिया कट गया आपका। और कुछ देखते हैं गूगल में, फोटो गूगल फोटोज में किसी का भी पता नहीं, मुझे पता है फाइंड टाइम डिटेल, बहुत पुराना। चलिए हम लोग सॉर्ट करके देखते हैं, अभी इधर हाल फिलहाल में किसी ने अपलोड किया क्या ऐसा वीडियो, तो मैंने देखा था कुछ वीडियोज कुछ दिन पहले, इसलिए मेरा माथा घूम गया, मैंने देखा। चुतिया बना रहे हो यार, गजब आदमी हो। ये 8 महीने पहले इन्होंने अपलोड किया कि किसी का विदाउट नोइंग नेम, फाइंड एनी वन डिटेल विदाउट नोइंग नेम, मतलब किसी का भी डिटेल प्राप्त कीजिए अपना नाम छुपा के, मतलब बिना बताए। चलिए इनका भी देखते हैं वीडियो, अच्छा ये इन्होंने सब लोगों ने बताया गूगल पे सर्च करो, गूगल इमेजेस पे सर्च करो, मतलब गूगल लेंस पे सर्च करो। मैं अपने को सर्च करके देखूं क्या आ रहा है, रितेश कुमार देखते हैं। ये रहा कैमरा, अपलोड इमेज, चूज फाइल, देखते हैं खुद को सर्च करके शायद दे दे। रितेश कुमार जानी मानी हस्ती है यार, क्यों गलत बोल रहे हैं क्या? देखें हम भी, तो इन्होंने सर्च करके मुझे मेरे जुड़वा भाइयों से मिलवा दिया। व्यू सिमिलर फोटोज इमेजेस, आई डोंट थिंक, अरे भाई मेरे को तो लिस्ट कर दिया है फ्लिपकार्ट पे, नाइस। नो अदर साइजेस ऑफ द फोटो फाउंडेड ऑफिस, देखो मजाक चल रहा है। ये भी अगर आप लोग गए ढूंढने तो आप लोग कभी चूतिया बनने वाला है। इन्होंने भी तो ऐसे दिखाया जैसे अभी, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ये भी गूगल वाला तो नहीं ना, तो मैं पास करूंगा।
ये भी इन्होंने भी बहुत अच्छा तगड़ा वाला जूते बना। और इसी तरह आप लोग देखोगे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, आप डिटेल निकाल लो, आप लोकेशन निकाल लो, आप नाम निकाल लो। क्यों भाई, तेरा घर का है क्या फोटोज? हाँ वो वेबसाइट था, मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन वेबसाइट था, वो बहुत कुछ डिटेल बता देता था, लेकिन ये सब नहीं, ये सब चुतिया बनाने के लिए बस यूज कर रहे हैं आप लोगों को, मतलब बस अपलोड कर दिए हैं ताकि आप लोग क्लिकबेट देखो और एकदम मतलब तुरंत क्लिक करो, सारे डिटेल निकल जाएगा इस फोटो का। आप लोग गर्लफ्रेंड का, आपकी क्रश का फोटो होगा आपके पास, यार इसका नाम वाम नहीं पता, रोड पे देखे लड़की का फोटो क्लिक कर लिए, बोले भाई इसका नाम वाम नहीं पता, मैं इसका इंस्टा आईडी निकालूंगा, बस वही सर्च मारेंगे यूट्यूब पे, सर्च मारेंगे भाई कैसे निकालेंगे, और इन लोगों का वीडियो देख के आप लोग का चूतिया आराम से कटेगा। तो मैं इस वीडियो के अंत में आप लोग को एक एप्लीकेशन बताता हूँ, सर्च बाय इमेज, मैंने इसके बारे में रिव्यू कर चुका हूँ पहले भी। तो ये एप्लीकेशन आप लोग को नॉर्मल बस एक सिमिलर सा इंटरफेस, सादा सुधा इंटरफेस देता है, आप लोगों को क्लिक करना है, फोटो अपलोड करना है, तीन वेबसाइट्स पे आप लोगों को चेक करके दे देता है, अगर आपका फोटो कहीं मैच होता है तो आप लोगों को शो कर देता है कि भैया ये फोटो इस वेबसाइट पे मैच है, इसका नाम ये है, या फिर उसके बारे में आप लोगों को डिटेल दे देगा, आपको नाम वगैरह नहीं देगा। लाइक कोई भी सेलिब्रिटी का फोटो देखते हो या फिर किसी का भी फोटो देखते हो तो आप लोग इस पे आराम से सर्च करते हो, अगर वो बंदा वायरल हो या फिर उसका बंदा, उस बंदे का फोटो बहुत जगह पे अपलोडेड हो और उसका नाम वगैरह रिटर्न हो तो आप लोग को इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को यही अंत करता है, अगर आप लोग को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा तो आप लोग अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रोस्ट वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि ये लोग चूतिया बनाने से पीछे हटने वाले हैं नहीं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो घंटे का आइकन उसे जरूर प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप कोई मिस ना कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।